ई समाधान पोर्टल पर 30 शिकायतें हुई दर्ज। आपको बता दें, उपायुक्त मशंकर सिंह के निर्देश पर आमजनों की शिकायतों का पारदर्शी, त्वरित और समयबद्ध तरीके से निवारण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर NIC धनबाद एवं DMFT के संयुक्त प्रयास से विकसित ई समाधान पोर्टल पर आज 30 शिकायतें दर्ज हुई, जिसमें मुख्य रूप से भू राजस्व, विधि व्यवस्था, वेतन, पेंशन, नगर निगम सहित अन्य शिकायतें दर्ज हुई। लॉगिन भी नहीं करना होगा, आपको विजिट कीजिएगा, उस पे जब क्लिक कीजिएगा उस URL ID पे, आपको अब तक उस प्रतिवेदित दिन में जितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं उन शिकायतों का एक डैशबोर्ड खुल जाएगा। मान लीजिए 25 शिकायतें हुई, किससे रिलेटेड क्या किस टाइप की शिकायतें थी, संक्षिप्त विवरणी आपको मिल जाएगी। ये बहुत जेन्युइन और अच्छा सजेशन है जो हम लोगों ने विचार किया है। एक और चीज़ हमने देखा है कि लोग मिसयूज भी करना शुरू करते हैं, जैसे राशन कार्ड है, तो ऐसा भी हो सकता है कि गरीब आदमी जो कम पढ़े लिखे हैं उनके नाम पे कोई मिडिल मैन है जो इस समाधान में एक ही नाम से 20 एप्लीकेशन दे रहा है और उनसे पैसे की ठगी कर रहा है। तो हम लोगों ने इसमें ये डाल दिया है, जो अगले 24 घंटे के अंदर ये लाइव हो जाएगा, एक महीने में एक आवेदक सेम नाम से, सेम मोबाइल नंबर से या सेम ID से मैक्सिमम 5 आवेदन ही डाल सकता है, जिससे कि इसका मिसयूज रुके। हाँ, मैक्सिमम 5 आवेदन ही डाल सकता है। और कोई प्रश्न है तो प्लीज़ आप लोग, बहुत प्रश्न होंगे और उसका जवाब हम लोग अगर डिस्कशन करें तो 2-3 घंटा लग जाएगा। और पिछले 2-3 महीने में आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे रिवेन्यू के मामले आए जिसमें कि हम लोगों ने जांच की और जांच करके सरकार को प्रतिवेदन दिया, कड़ी कार्रवाई भी हुई, 11 लोगों पर प्रपत्र का भी गठित हुआ, फिर अभी दूसरे फेज में सो कॉज हमारे पास समय सीमा खत्म हो गई है, उसका भी प्रपत्र को गठित जल्दी ही होगा। राजस्व के काम में बिना सिंडिकेट के ये सारे काम नहीं होते हैं, ये एक सिंडिकेट काम करता है जिसमें मिडिल मैन होते हैं, जिसमें राजस्व अंचल के हलका के कर्मचारी होते हैं, इन सबों के सिंडिकेट के बिना ये गलत काम हो ही नहीं सकता है। तो जिला प्रशासन का हमेशा से प्रयास होगा कि इस सिंडिकेट को हम तोड़ें, क्योंकि बहुत वाइड डायमेंशन है। तो इसमें जो शिकायतें हमें स्पेसिफिक मिलती हैं, जैसे कि पहले वाले केस में स्पेसिफिक शिकायतें आईं, उसकी जांच करने में हमें सुलभता हुई, हम आराम से जांच कर पाए, उसी प्रकार से इस समाधान में भी मैं बता रहा हूँ करीबन 4-5 आवेदन पिछले 3 दिनों के अंदर मुझे प्राप्त हुए हैं, जिसमें गैर मजरूआ ज़मीन के घेराबंदी या उसके अतिक्रमण से संबंधित है। तो ऐसे मामलों को पहले क्या होता था कि लोग अंचल में दे रहे हैं, DC कार्यालय में दे रहे हैं, जन शिकायत में दे रहे हैं और उसका प्रॉपर फॉलोअप नहीं हो पाता था। अब इसमें क्या है कि एक डेडलाइन हमने दे दिया है तो CO को जवाब देना ही देना होगा कि ये अगर गैर मजरूआ ज़मीन है तो इसके ऊपर क्या एक्शन लिया गया और क्या कार्रवाई की गई। तो राजस्व के मामलों में मुझे लगता है कि बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। और